जम्मू के बस अड्डे में धमाका, नए साल पर उधमपुर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। शुक्रवार की रात जम्मू में बस स्टैंड पर कम तीव्रता वाला धमाका हुआ। इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जैश के आतंकी जम्मू के उधमपुर जिले में मौजूद सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। 2019 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पूर्वांचल, गाजीपुर में आज करेंगे रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री गाजीपुर जाएंगे। दौरे की गाजीपुर यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि इनकी कोशिश यहां के राज्यभरपासी वोटों को साधने की है। महाराष्ट्र में ठंड ने तोड़ा 27 साल का रिकॉर्ड, ओस की बूंदे बनी बर्फ। महाराष्ट्र में ठंड ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस धुले में दर्ज हुआ। महाबलेश्वर के वेन्ना तालाब के पास ओस की बूंद बर्फ में तब्दील हो गई। सैलानियों ने बर्फ जमने का मजा लिया। टीवी एम्पायर के कमरे में घुसे पाकिस्तान के कोच आर्थर, आईसीसी ने लगाया जुर्माना। पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन टीवी एम्पायर जोएल विल्सन द्वारा दिए गए विवादास्पद फैसले पर असहमति दिखाने के लिए आधिकारिक चेतावनी दी गई और उन पर एक डेमेरिट अंक का जुर्माना लगाया गया है। सिम्बा देखने थिएटर पहुंची सारा, फैंस को मिला सेल्फी मोमेंट। सारा अली खान टिकट खरीदकर सिनेमा घर में अपनी फिल्म देखने पहुंची तो फैंस ने उन्हें घेर लिया। सारा की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब शेयर की जा रही हैं।